अमेठी जिले से सारस पक्षी और आरिफ की दोस्ती खूब चर्चा में आई और लगातार वह मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, वह भी आरिफ के घर पहुंचे और उसको देखा। कहीं ना कहीं उसके बाद वन विभाग वाले वालों ने संज्ञान लिया और उसकी जो तथाकथित दोस्त था आरिफ और सारस जो है, तो उन दोनों को अलग कर दिया गया। उसको समस्तपुर पक्षी विहार ले आया गया, वहां से नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान लखनऊ भेजा गया, अब इस समय कानपुर में है। लेकिन इसी बीच जो है इसकी जो सारस और उस कहानी है उसमें एक नया मोड़ आया है, एक नया ट्विस्ट आया है, और वह ट्विस्ट यह है कि अमेठी जनपद के जामो ब्लॉक के रामगढ़ी गांव में जो है कहीं ना कहीं यह सारस पक्षी पहले से ही था, जो आरिफ के पहले से बताया जा रहा है। एक परिवार जो है ठाकुर साहब का परिवार है, उनके यहाँ वो रहता था, जो है घायल अवस्था में मिला था, उन्होंने इलाज कराया था, जिस डॉक्टर ने इलाज किया था उसका पूरा डिटेल उनके पास है। परिजनों के साथ रहा करता था, खाया करता था, ग्रामीणों के साथ खेला करता था। उसके बाद वह अचानक यहाँ से गायब हो गया और फिर वह जो आरिफ है उनके यहाँ दिखाई पड़ा। ऐसे में हकीकत क्या है? जो आरिफ बताते हैं कि वह मेरा दोस्त है, मेरे पास ही घायल अवस्था में आया, जबकि उसकी हकीकत जानने के लिए इस समय मौजूद है रामगढ़ी जो है गाँव में। और ये वही सज्जन है विनय सिंह, जिनके साथ वह सारस पक्षी आया जाया करता था। यह भी बाइक से चलते थे, इनके पीछे पीछे चलता था और इन्हीं के घर पे रहता था। इनसे हम सीधे जानेंगे कि वह इनको कैसे मिला और वह कैसे रहता था। विनय जी, ये आप जो सारस का मामला चल रहा है, ये जो है सारस आपको कैसे मिला था, यहाँ पे किस अवस्था में? हम अपने फील्ड में वहाँ खेत पे गए थे, ये वहीं पे था, वहीं से मेरे साथ आ गया और आया तो यहाँ हमारे खेत में चुन खा रहा था। हम वहाँ आते थे जाते थे, हमको हमारे खेत में मिलता था। उसके बाद में वहाँ से हम घर आए, हमारे साथ साथ हमारे घर पे आया। यहाँ उसको हमने कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, वो खाया पिया, आटा खाया, मछली खाया, ऐसा अपना खाया। वो खाने के बाद यहीं रहने लगा वो। फिर उसके बाद में हम जहाँ कहीं भी आते जाते थे हमारे साथ आने जाने लगा। गाँव में भी यहाँ तीन चार गाँव अगल बगल के जो पुरवे हैं वहाँ भी अपना आता था जाता था। उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था कि वो हमारे पास रहे या कहाँ रहे। पंछी है, जहाँ भी उसका दिल करता था वहाँ आता था जाता था। ज़्यादातर हमसे वो लगाव रख लिया था, हमने उसको खिला पिला दिया खेत में भी, यहाँ भी ले आके, तो इसलिए वो यहाँ ज़्यादा आने जाने लगा ज़्यादा। और आदमियों से उसका ज़्यादा प्रेम था, कोई हम ही से नहीं, जो कोई भी आदमी से उसका ज़्यादा प्रेम था। हमारे यहाँ पूरी ग्राम सभा इकट्ठा होती थी राशन के लिए, उस समय भी वो लोगों के साथ जो है जाके खेलने लगता था। हमारे साथ बाइक से हम जाते थे तो बाइक से चला जाता था, साइकिल से जाते थे साइकिल से जाता था, पैदल कहीं निकलते थे पैदल हमारे साथ साथ रहता था। एक बात है कि वह घायल अवस्था में आप भी कह रहे हैं कि खेत में मिला था, फिर आपने इलाज कराया, क्या हुआ था, कैसे घायल था वो? घायल हुआ था, वो आदमियों से प्रेम करता था, किसी किसी आदमी ने उसको मार दिया या किसी कुत्ते ने, किसी ने अगर कुत्ता काटता तो और कहीं काटता, उसको किसी ने मार दिया क्योंकि उसका पैर टूट गया था, उसकी हड्डी अलग हो गई थी। तो इससे साबित होता है कि उसको किसी ने मार दिया, क्योंकि वो पंछी है, इधर उधर आता था जाता था, किसी को डर लगा होगा, किसी ने उसको मार दिया होगा। पर जब उसको चोट लगी उसके बाद फिर उड़ के हमारे घर आया। वो चोट कहाँ लगी इसका तो हम नहीं बता सकते कि चोट कहाँ पर लगी, किसने उसको चोट दिया, पर ऐसा लगता है हमें कि उसको किसी ने चोट दिया तब उसका पैर टूटा। पैर टूटने के बाद में उड़ता हुआ हमारे दरवाजे पर आया, हम लोगों ने देखा कि हाँ सारस आया पर उसका पैर टूटा था। फिर हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर थे, उन्होंने उसका थोड़ा बहुत इलाज किया, फिर उस जब ये नहीं उसको सही कर पाए क्योंकि पैर टूट गया था, उसका पैर बिल्कुल वो अलग हो गया था, सिर्फ चमड़ी लगी थी, हड्डियाँ टूट चुकी थी, तो डॉक्टर देवेंद्र नायक को बुलाया गया और वो बेचारे फिर उसका इलाज किए, उसमें अपना पट्टी पुट्टी बांधे, बाँस वाँस की फर्ची फुर्ची भी लगा के बांधे, तब उसका जाके किसी तरीके से पैर बहुत दिन में ठीक हुआ, दो तीन चार पाँच महीने लगा था पैर ठीक होने में। यही कहानी आरिफ भी बताते हैं कि हाँ उसका पैर टूटा था। क्या लगता है कि आरिफ जो है झूठ बोल रहे हैं, आप ही की कहानी वो दोहरा रहे हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पंछी है, वो कुछ भी कहने के लिए कहें। बाकी उसका पूरा ट्रीटमेंट मैं करवाया हूँ, हमारे पास सरकारी डॉक्टर है, कोई प्राइवेट डॉक्टर से हमने दवा नहीं करवाया, हम सरकारी डॉक्टर जामो से बुलवाए, वो बेचारे आके किए हैं। और वो पंछी जो है
आदमियों से ज्यादा प्रेम करता था, बस यही कारण है उसका प्रेम। यहाँ से आपके पास से वह गया कैसे? हमारे पास से गया, हमारा हो गया था एक्सीडेंट, उसमें हम चले गए सुल्तानपुर, वहाँ हम एडमिट थे 15 दिन। उसके बाद में वहाँ से यहाँ वापस आए, हमको नहीं पाया वो, हमको यहाँ खोज रहा था, वो हमको नहीं पाया होगा तो अपना उड़ करके इधर उधर कहीं चला गया, क्योंकि पहले भी वो यहाँ से उड़ करके कहीं इस गांव में कहीं उस गांव में इधर उधर घूमने चला जाता था, पर शाम को इधर आ जाता था, शाम को आ जाता था, दिन में इधर उधर अपना चुनता खाता था। तो उसका पैर भी टूट गया था, उसको डर भी हो गया था कि कुत्ते या कोई उसको करेंगे, तो इस वजह से शाम को यहीं आ जाता था। क्या लगता है आरिफ जिस सारस को अपना दोस्त बताते हैं, जो है कि उनका दोस्त है, वो आप जो है वो आपके यहाँ वाला ही सारस है कि दूसरा कोई है? नहीं, हमको तो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि हमारा ही सारस है वो, क्योंकि उसका दहना पैर टूटा था, उसका हम इलाज करवाए थे, तो हमको पूरा कन्फर्म है अगर वो पंछी आज भी अगर मिल जाए हमको, तो हम उसको अगर आवाज़ लगाएंगे तो दौड़ता हुआ आएगा। हमारे गाड़ी का अगर वो हॉर्न सुनेगा तो गाड़ी के हॉर्न से वो जो है सीधा गाड़ी पे आके अटैक करेगा, गाड़ी को जाने नहीं देगा। आज आज आरिफ के पास भी वह सारस नहीं रहा है। और क्या आपने कभी जो है जब आप ट्रीटमेंट करा के सुल्तानपुर से वापस आए तो आपने उसको खोजने की कोशिश की थी? खोजने की कोशिश यहाँ आसपास के गांव में किया था, पर वो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए आरिफ के गांव। जब जानकारी हुई तो आपने संपर्क किया था कि नहीं किया? नहीं, जब जानकारी तो बहुत बाद में हुई, जब आपका वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद में जानकारी हुई, तो उसमें हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि राजकीय पंछी है वो, उसके लिए हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। अब पंछी है वो तो आदमियों से प्रेम करता ही था, हमको नहीं पाया वो, हम जब दवा कराने चले गए हमें नहीं पाया तो अपना चला गया। आरिफ के द्वारा सारस का बहुत सारा वीडियो भी वायरल किया गया और तमाम उससे वो उन्होंने पैसा भी कमाया। आपके यहाँ इतना दिन था, आपने उसका कोई वीडियो आपने वायरल नहीं किया? देखिए ऐसा है, वो एक राजकीय पंछी था तो हमने उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि वो राष्ट्रीय पंछी है, उसके लिए हम ज़्यादा कुछ वो नहीं किए कि हम वीडियो वीडियो बनाएं कुछ करें। एक पंछी था, पंछी के नाते हमने उसको रख लिया, यहाँ पे अपना रहता था, गांव देश में घूमता था, सबको हम कहते थे कि भाई इसको किसी नहीं कोई इसको प्रताड़ित ना करे, अब खुला पंछी है इसको रहने दो। रास्ते में एक दो बार जो है उसको आदमियों ने क्या किया कि उसका गला पकड़ के घसीटना शुरू किया, वो मेरे साथ आ रहा था तो किसी ने मोटरसाइकिल पर बैठ के उसको घसीटता, हमने उसको रोका करके तुरंत उसको एक्शन लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये पंछी है, तो हम तो बचाव के लिए चलो पंछी है किसी तरीके से बच जाए, आदमी के बीच में रह रहा है। बहुत सारी एक दिन 400-500 सारस आए, जब 400-500 सारस आए और हमारे खेत पे सारे सारस उतरे तो ये अकेला जो है मेरे पास आ गया, और सब सारस ये चाहते थे कि ये मेरे साथ चले उड़ के, पर ये नहीं गया। तो हमको ऐसा लगा कि उसको आदमी से मोहब्बत है, आदमी से प्रेम है, इस वजह से हमने कहा चलो ठीक है तो रहने दो, हम किसी का कोई नुकसान तो था नहीं, पंछी है अपना चुन रहा खा रहा। आपके यहाँ अभी भी मैंने देखा कि तमाम तरह के पक्षी हैं, चाहे मोर हो अथवा जो है बतख है, सारस भी ऐसा है कि अभी जो है दिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तमाम तरह के पक्षी रहते हैं, कब से ये रहते हैं क्या जो है? ये तो ऐसा है पंछियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारी पुस्तैन दरपुस्त की बात है, हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे सब पिंजड़े होते थे, उसमें तरह तरह की पंछियाँ होती थी, सामने यहाँ पे हिरन होता था, सब होता था, पर शौक था हमको कि चलो ठीक है पंछी है, पंछी से हमको प्रेम है। हमारे यहाँ मोर भी हैं, बोल रहे हैं मोर को दहली भी हैं, तो सब पंछियाँ हैं। दरवाजे पे हमारे यहाँ राशन बहुत सारा पड़ा रहता है, हम उनको खिलाते पिलाते रहते हैं। बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बैठे रहिए आप देखिए कि यहाँ कितनी तरह तरह की चिड़ियाँ आती हैं। हमने कोई ये तो है नहीं कि हमने किसी को बंधक बनाया है, खाने पीने को यहाँ मिलता है, उनको कोई प्रताड़ित नहीं करता, इस वजह से यहाँ सारी चिड़िया रहती है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ऐसा देखने के बाद जितना सारस वायरल हुआ, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उससे काफ़ी पैसा भी जो है आरिफ ने कमाया, क्या आपको लगता है कि आप भी वीडियो बना के डाले होते तो आपको भी जो है पैसे मिलते, या अब ये देखने के बाद क्या महसूस? देखिए ऐसा है, वो तो एक अलग की बात है, किसी पंछी के सहारे से हम पैसा नहीं लेना चाहते हैं, वो पंछी है, हम तो उसको वैसे पाल दिया उसको कि हाँ कम से कम पंछी है, इसकी जीव की रक्षा हो, उसकी रक्षा के लिए हमने सोचा था, ना कि हम कोई व्यापार के लिए या कि उसके वजह से हमको कोई प्रॉफिट हो। ऐसा हमने अगर चाहा होता तो हम भी वीडियो वायरल किए होते, पर हमने ऐसा कुछ नहीं चाहा,
एक वो था कि चलो पंछी है बेसहारा है, इसका कोई सहारा नहीं है, तो इस वजह से हमने उसका परवरिश कर दिया। बिल्कुल, अब वो ना आपके पास है ना उसके उनके पास है, वो कहीं ना कहीं कानपुर के चिड़ियाघर पहुंच चुका है, तो ऐसे में जो है वो तो बहुत रोते हैं, मिस करते हैं, क्या आप भी मिस करते हैं? मिस तो मैं बहुत किया, हमारी पूरी शरीर सूख गई कि यहाँ पर रहता था, हमारे साथ आता था जाता था, मोर था वो भी साथ साथ आता जाता था, सब ऊपर मोर बैठते हैं आके, वो भी मोर भी कोई ऐसा नहीं था कि उसको भी मैं बंधक बनाया, वो भी मोर भी था, इसी चारपाई पे यहीं पे हमारे बड़े भाई साहब लेटे रहते थे, तो मोर आके इसी पे बैठ जाता था, भाई साहब का जब पैर उसके ऊपर पड़ता था तो ऐसा नहीं कूद के बाहर जाए, इधर से उधर हो जाता था, किसी को बंधक नहीं बनाया था। अभी भी पंछियाँ हैं, आते हैं जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, उड़ते खेलते रहते हैं। अब पंछी हैं, अगर आ गया कोई अपने पास तो उसको कैसे भगाया जाए? क्या लगता है कि उसको जो है वापस खुले उसमें छोड़ देना चाहिए या फिर जो है चिड़ियाघर में ही रखना चाहिए? देखिए अब ये तो बिल्कुल 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 नहीं खाएगा, अपने आप से भोजन नहीं करता है? नहीं, निश्चित रूप से। ये थे विनय सिंह जो रामगढ़ी के रहने वाले हैं, जिन्होंने इसकी पूरी दास्तान कैसे वो जो है था। और एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे अभी बीच में हम, जो है ये कितने साल पहले की बात है कि वह आपके पास था और उसके बाद फिर जो है गायब हुआ? ये करीब 3.5 साल पहले से हमारे पास था। 3.5 साल पहले से आपके पास था? जी। और अभी उनके पास तो वो जो जहाँ तक उन्होंने बताया है 1.5 साल पहले आया था? 1.5 साल नहीं, 9-10 महीने हुआ होगा। 9-10 महीने? जी हाँ, निश्चित रूप से। आपके यहाँ से जब गायब हुआ तो उनके यहाँ फिर दिखा? हाँ। ये निश्चित रूप से जो है इनके पास लगभग 3-3.5 साल पहले से था, हालांकि उसका तमाम वीडियो एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, जिसके कारण लोग उसको नहीं जान पाए। और जब वो यहाँ से गायब हुआ उसके बाद फिर आरिफ के पास पहुँचा, आरिफ ने वीडियो जब उसका वायरल करना शुरू किया तब कहीं ना कहीं वह चर्चा का विषय बना। और जो है आज वह ना आरिफ के पास है, ना विनय जी के पास है, किसी के पास नहीं, चिड़ियाघर में है, हालाँकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और निश्चित रूप से उसको सरकार के संरक्षण में है और सरकार उस पर जैसा चाहे वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कहीं पर भी उसको रखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह से आरिफ जो है बता रहे थे कि उनको घायल अवस्था में मिला, वो कहीं ना कहीं उसके पहले की जो कहानी थी उसको दोहराते नजर आ रहे थे, वास्तव में जो सच्चाई थी वो हमने आपके अपने चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन मोटर लोकेश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया अमेठी। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? देवेंद्र नायक मेरा नाम है। डॉक्टर साहब आज के करीब 1 वर्ष पूर्व आपने किसी सारस का इलाज किया था, कहाँ पे किया था, क्या था पूरा मामला, घायल कैसे हुआ था वो? मेरा नाम देवेंद्र कुमार नायक हुआ, आचार्य के पद पर हम कार्यरत हैं। हमें फ़ोन किया गया था विनय सिंह जी के यहाँ से, उनके जो भाई हैं बब्लू सिंह जी, पूरा नाम उनका लाल चंद्रेश्वर प्रताप सिंह होता है, रामगढ़ी कोर्ट, कि एक पक्षी को चोट लगा हुआ है, डॉक्टर साहब एक बार देख लीजिए। तो हम गए वहाँ पर तो उसको चोट लगा था पैर में, तो हम उस दौरान अपने पक्षी के साथ कार्य सबसे संपर्क किए, सर इस तरह की दिक्कतें हैं, उनके दिशा निर्देश से उसको पट्टी बांधा गया, दवा लगाई गई, ये सारी चीज़ें उनको किया गया। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने बताया था उसको, फिर उसका वही दवा रिपीट किया गया सर के माध्यम से, और फिर 3-4 दिन बाद पूछा गया उनसे कि क्या स्थिति है उस पक्षी का, तो बताएं कि अब सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उस पक्षी को कहाँ गई, कहाँ से क्या हुआ, उनको किस स्थिति में पाई, इसके बारे में हमको जानकारी। कब किए थे इलाज इसका? लगभग 1 साल के ऊपर हो गया होगा इलाज। तो सारस क्या पालतू सारस था, किसी ने पाला वाला था, कहीं से आया था? नहीं सर देखिए, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हम ये जानते हैं कि उन्होंने हमको फ़ोन किया सर, हम जाकर के इलाज किए, अरे उन्होंने कहा सर तो पाले थे कि नहीं पाले थे, ऐसा किसी ने बताया भाई कि पाले हुए थे, हमको तो ये बताया गया कि सर एक पक्षी को चोट लगी हुई है, तो उधर हम नहीं गए। क्या नाम है आपका? रितेश मिश्रा। रितेश जी, एक जो सारस आरिफ के पास है वो बताया जाता है कि यहाँ आप लोगों के पास रहता था, क्या है मामला और कैसे यहाँ से? हाँ, ये हम लोगों के ही साइड का था, ये जो है एक अंकल जी हैं विनय बाबू, ये कोर्ट के हैं, वो यहाँ लेके आते थे, घुमाते थे, डेली आते थे इधर लेके, हम लोग भी उसको अपने हाथ से खिलाए हैं और यहीं का था वो। कैसे गया वो यहाँ से? वो घायल हो गया था यहाँ पे, साइकिल से ले आ रहे थे तो घायल हो गया था, वही फिर इलाज कैसे कौन कराया? इलाज यही विनय बाबू किए थे। कोई डॉक्टर पर क्या है इलाज? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर किए थे। तो यहाँ से कैसे गया वो जो है? यहाँ से जैसे जाते हैं पंछी, लेकिन वो आरिफ तो कह रहा है कि जो है उसको घायल था, इलाज बैरे उसका कराया और वो है क्या? नहीं वो झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वही वाला सारस है यहाँ से जो? हाँ यहाँ से जो गया वही है वो, उसका नहीं? नहीं, अब एक दिन में तो कोई सारस ऐसे वो हो नहीं जाएगा,
आप लोगों के बीच में कब तक रहा सारस? हमारे बीच में लगभग एक साल से ज़्यादा। और कब से नहीं आप लोगों के साथ हुए? अभी लगभग एक साल हो गया। नाम है आपका? बन्ने बाबू रामगढ़ी कोट। एक सारस पक्षी का वीडियो आपके पूरे परिवार के साथ वायरल हो रहा है जी, इस पर क्या कहेंगे आप? सारस पक्षी तो यहाँ हमारे तराई क्षेत्र का मामला है, यहाँ पे सारस पक्षी आते हैं, मोर आते हैं और तमाम तरह की पक्षियाँ आती जाती रहती हैं। वो हमारे भाई को मिला था, वो लेके आए थे उनके साथ। कितने समय पहले मिला था? लगभग 3-3.5 साल पहले। आपने उसका इलाज भी करवाया है? हाँ, उसका इलाज जो है जब वो कुछ दिन बाद जो है गया कहीं, वो घायल हो गया, घायल अवस्था में यहाँ पर उड़ करके आया। डॉक्टर देवेंद्र नायक जो है सरकारी डॉक्टर है, उनको बुला के उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जो आरिफ का सारस है, क्या वही सारस है ये जो आप? हाँ, दाहिने पैर में चोट उसको लगी थी, दाहिने पैर में, यहाँ भी ट्रीटमेंट करवाया गया, गांव देश वालों से भी पूछा जा सकता है, और वही सारस है ये। आरिफ कह रहे हैं कि जो है हमने इलाज कराया, इस पर आप यही टूटा। अब आरिफ कहें तो आरिफ साक्षी दें, जैसे हम साक्षी दे रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र नायक ने इलाज कराया। डॉक्टर देवेंद्र नायक से आप पूछ सकते हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं यहाँ पे नियुक्त हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, तो उस तरह वो भी साक्षी दें। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं कहीं झूठ बोल रहे हैं? जरूर कहीं कहीं झूठ बोल रहे हैं। साक्ष्य आप ले लीजिए उनसे, गांव देश वालों से पूछ लीजिए। सारस अक्सर यहीं रहता था, ज़्यादातर समय यहीं बिताता था, बाकी गांव देश में घूमता था, खेत में घूमता था, लेकिन ज़्यादातर समय वो जो हमारे भाई साथ बिताता था। हमारे यहाँ से गया वो, जब हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग चले गए सुल्तानपुर, और वहाँ 10-15 दिन हम लोग रहे। वो यहाँ पर उनको पाया नहीं तो उड़ के चला गया 6-7 महीने पहले। अब कहाँ गया? पक्षी है, आया गया चला गया, यहाँ तमाम पक्षी आते जाते रहते हैं। आरिफ कर रहे हैं हमारा दोस्त है, हमने इलाज कराया, राजनीति कर रहे हैं। हाँ तो राजनीति कर रहे हैं, तो वो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति अपना वो जाने, उनका काम जाने, कि हम लोग राजनीति से क्या मतलब है। हम लोग तो जानते हैं, जो है सीधी सीधी बात जानते हैं, हमारे यहाँ आया पक्षी है, घायल पक्षी है, मानवता के नाते हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवाए, डॉक्टर बुलवाए, पैसा खर्च किए, सब कुछ किए। क्या नाम भैया आपका? आदेश सिंह। आप लोगों का एक फोटो वायरल हो रहा है सारस साथ, वो कैसा सारस है? सारस भैया हमारा, हमारे यहाँ छोटे से ही घायल अवस्था मिला। हमारे बगल में ही रामगढ़ी के चाचा हैं विनय सिंह, उनके यहाँ वो थोड़ा सा कुत्तों के से डैमेज हो गया था, कुत्ते का बच्चा था वो, तो उन्होंने इलाज वाज कराया। तो वही सारस है कि वो घूमता रहता था, पूरे गाँव में घूमता टहलता, तो जो भी उसको प्यार से बुलाता उसके पास आता था। तो वही सारस है जो आपने? आखिर अब सारस कहाँ गया आप लोगों का? अब हमारा सारस भैया पंक्षी है, वो उड़ के गया क्या, कहीं भी कहाँ गया तो नहीं जानते। लेकिन आपके गांव के कुछ दूर के एक आरिफ जी हैं, वो वीडियो बनाकर इस समय वायरल कर रहे थे सारस को लेकर, क्या लगता है आप लोगों को? तो नहीं तो आरिफ वाला जो वीडियो है, हम उसे इसमें बोल सकते हैं कि वो हमारा सारस हो सकता है, जो हमारे गाँव के जो बिना जाता सारस था, हो सकता है। क्योंकि सारस हमेशा हर सारस मानव के बीच में नहीं रहता, वो बचपन से ही मानव के बीच में रहा है, लगता है वही हो। तो उन्होंने कहा है वो हमको घायल अवस्था मिला, हमने उसका इलाज किया था, तो आप लोग भी कह रहे हैं इलाज किया था, कैसे क्या पहचान? अब विनय चाचा के यहाँ जब जो कुत्तों ने उस पर आक्रमण किया था, तो विनय चाचा ने उसको पाल पाल कर रखा, और एक सरकारी समुदाय डॉक्टर आए थे समुदाय केंद्र से, उसका इलाज उन्होंने किया, उसके उनका प्रूफ है, डॉक्टर साहब का बयान है आप लोगों के पास, तो उनके पास कोई अगर वीडियो बयान हो तो फिर वो भी दिखा सकते हैं कि आपने घायल अवस्था में उसका वीडियो बनाया हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं आरिफ से? आरिफ से कहना चाहते हैं कि झूठी अफवाहें ना हो और प्रूफ जो हो उसको पेश करें। क्या नाम है आपका? उमेश बोरासी। उमेश जी बताइए, आप लोगों का सारस साथ एक फ़ोटो वायरल हो रहा, आखिर वो सारस कैसा है, आप लोगों के साथ कब से रह रहा था, आखिर अब कहाँ है वो? सर वो फ़ोटो जो आप लोगों ने देखी है वो 2021 अगस्त के 2021 की फ़ोटो है, और वो सारस हमारे यहाँ पर बचपन से ही रहा है, जब से वो छोटा था तभी से ही इसी गाँव यानी हमारे आस पास के 4-5 गाँवों में वो बचपन से ही रह रहा था। तो आपका अब वो आखिर कहाँ गया सारस? अब वो सारस सर यहाँ से आरिफ का, जो एक आरिफ का चल रहा है सोशल मीडिया पे सारस, वही सारस जो है, क्योंकि आरिफ का गाँव हमारे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर मुश्किल से दूर है, और जिस तरह का व्यवहार आरिफ बता रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरे बिना रहे, तो जिस तरह का व्यवहार उसका आरिफ के साथ में है, उसका हमेशा से ही इसी तरह का व्यवहार मनुष्यों के साथ में हमेशा ही रहा है। आरिफ तो बोलते हैं मैंने वो घायल अवस्था में उसका इलाज किया था, आप लोग भी कहते हैं हमारे यहाँ भी घायल होता है उसका इलाज हम लोगों ने किया था डॉक्टर के द्वारा। हाँ, आरिफ कह रहे हैं कि उन्होंने इलाज करवाया था, बाकी जब हमारे हमारे यहाँ पर रामगढ़ी है पड़ोस में, वो वहाँ पर हमारे विनय सिंह जी हैं, उनके यहाँ पर उसका इलाज डॉक्टर नायक द्वारा कराया गया, सरकारी डॉक्टर डॉक्टर नायक द्वारा उसका इलाज हुआ था। तो आप लोग आरिफ से क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आरिफ को? आरिफ से हम यही कहना चाहते हैं कि जो आप ये मीडिया पे फेमस होने के लिए केवल आपने जो ये वीडियो वायरल करी है, ये गलत करा है आपने।
ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि हमने सारस का इलाज किया है, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? इलाज उन्होंने नहीं कराया है। अगर इलाज के उनके पास में कुछ हो तो बताएं, हम तो बता रहे डॉक्टर नायक ने उसका इलाज कराया है, कराया गया उसका इलाज डॉक्टर नायक से।